हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा और हमेशा की तरह मैं आपके साथ हूँ। अपने व्यूज़ ही आपके सामने रखूँगी। देखिए, वैसे जो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम चल रही है कोरोना पे, बहुत सारे लोग अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं, अपने अपने जो प्रिकॉशंस कैसे लेनी है वो शेयर कर रहे हैं। तो गाइस, देखिए मैं यहाँ पर वो सब कुछ नहीं बताने वाली हूँ। मैं सिर्फ अपने जो व्यूज़ हैं, जो प्रैक्टिकली मुझे फ़ील होता है और जो एज ए ह्यूमन बींग, एज ए जागरूक पर्सन जो मुझे फ़ील होता है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और पहले मैं नहीं सोच रही थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मुझे मैसेज किया, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, कि मैम आपको भी इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए। तो देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात करूँगी कि हमें किसी भी चीज़ को लेकर इतना बड़ा हवा नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहली बात जो है, कोरोना वायरस जो आया है, देखिए ये वायरस के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन सब ये नेचर का कहर है। मेरी नज़र से कि जो हम अपनी नेचर को देते हैं, नेचर हमें वही रिपोर्ट करती है। हम सिंपल सी बात समझिए, क्योंकि मैं वन बाई वन चीज़ों को डिस्कस कर रही हूँ। नेचर की बात समझिए कि अगर हम सिंपल सा पौधा अपने गार्डन में लगाते हैं जिसपे फूल आने होते हैं, तो उसके फूल भी हम पूजा में चढ़ाएंगे, हमारे गार्डन को महकाएं, उसकी सुगंध से हमें अच्छा लगता है, कितनी खुशी होती है। वही हम उस पौधे को पानी डालना बंद कर दें और वो सड़ जाए, तो हमें क्या होगा? हमें वो नेगेटिविटी आएगी, वो अच्छा फील नहीं होगा जो है। लेकिन हम उस पर ध्यान ही कहाँ देते हैं, हम अपने फायदे के चक्कर में रहते हैं। अरे सूख गया, निकाल के फेंक दो। हम ये नहीं सोचेंगे हम दूसरा पौधा लगा दें, ये हमारी कमी से सूखा है कि हम इसमें पानी नहीं डालें। और पेड़ों का तो कितना महत्व है हमारे पर्यावरण में, कि हमारे ऑक्सीजन का सोर्स हमारे पेड़ हैं, तो हम इतनी बड़ी गलती कैसे करते हैं? हो रहा है, जंगलों में आग लग रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी ऑलरेडी होने वाली है, ऑलरेडी फील हो रही है, बहुत जगह पर हो रही है, और अभी ये बढ़ने वाली है। ऐसे ही हम पानी को गलत इस्तेमाल करते हैं। पानी का हमें पता है कितना अमूल्य है पानी, हम करोड़ों अरबों खर्च करके भी पानी को नहीं बचा सकते अगर एक बार हमारे प्रकृति ने हमसे लेने पर। तो प्रकृति को जैसा आप देंगे वैसा ही आपको मिलने वाला है। तो इज अ कहर और प्रकृति, जो डिजास्टर है ये अलग अलग फॉर्म में होता आया है। कभी भूकंप आ जाते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, अभी कुछ जंगलों में आग लग जाती है। ऑस्ट्रेलिया जंगल की आग अभी बंद ही हुई थी कि ये कोरोना आ गया। तो कुछ ना कुछ फॉर्म में ये आना ही आना है। हम यूनिवर्स को जैसे वाइब्रेशन देखेंगे, वैसे ही वाइब्रेशन हमें रिवर्स में मिलने वाले हैं दोस्तों। इससे आप नहीं बच सकते। देखिए, सब कुछ हमारी प्रकृति ने हमें दिया है और हमें उसे वापस करना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, जो लोग बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पूछते रहते हैं, तो यही इसको समझने का बेस्ट तरीका है। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए आपको नेचर भी नेगेटिविटी ही आपसे अट्रैक्ट कर रही है। आपकी गलत चीज़ें लेकर वो आपको गलत चीज़ डिलीवर कर रही है। आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं। अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये सोचूंगा कि कोई लड़की मेरे जीवन में आ जाए, कोई मेरे काम अच्छे हो जाए, मेरे को बहुत पैसे आ जाए, तो मेरे पास आ जाएंगे क्या? ये सब आप सोचते हैं। आप कभी ये नहीं सोचते कि हम अपनी नेचर को बैलेंस रखें। जो चीज़ हमें दी है, इतनी खूबसूरत धरती हमें दी है, हमारे जो पंच तत्व हमारा शरीर बना है, हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं, तो ये सब होने वाला है। उसी चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी, मुझे नहीं पता कितने लोगों को मेरी बात ये समझ आई होगी, कितने लोग फेवर करेंगे कुछ नहीं, लेकिन मुझे अपने विचार प्रकट करने थे तो मैंने आपसे किए। तो गाइज, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप नहीं समझेंगे तो आप ये चीज़ों का सामना करते रहेंगे। बी प्रैक्टिकल, ये होता है। लाखों लोग हर साल किसी न किसी बीमारी से मर रहे हैं। कैंसर बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है, उसकी तो दवाइयाँ भी आ गई हैं और कीमो चलती है, कुछ होता है, लेकिन तब भी लोग मर रहे हैं। दूसरी बात सोच के देखिएगा, इस पॉइंट पे सोच के देखिएगा, तो इसको इतना बड़ा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैं बोलूँगी, स्टॉप वॉचिंग न्यूज़ चैनल। ज़्यादा न्यूज़ चैनल देखना भी बंद कर दीजिए आप, अगर एक दिन में एक बार चलाते हैं बिना तय, कि पूरे दिन कोरोना ही कोरोना, लॉकडाउन यही चल रहा है। उनका प्रोफेशन ये है, उनको टीआरपी मिलती है, अगर जितने लोग देखेंगे उतना टीआरपी मिलेगा, और कुछ नहीं है दोस्तों। तो आप बहुत हद से ज़्यादा देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो एक ही न्यूज़ को इतना बड़ा चढ़ा के इतना अजब गलत तरीक़ों से दिखाते हैं कि इंसान के मन में नेगेटिविटी आ ही जाती है। तो आप कुछ अच्छी धार्मिक चीज़ें देखिए, देखिए रामायण चल पड़ी है, महाभारत आ रही है, उन चीज़ों से सीखिए, बहुत कुछ है उसमें। आप उसको धार्मिक सीरियल देखने से कोई आपकी मॉडर्नगिरी कम नहीं हो जाएगी। आपके रहन सहन, आपके खाना पीना, जो आप मॉडर्नगिरी दिखा रहे हैं ना, वो मॉडर्नगिरी एक्चुअल में है नहीं। एक्चुअल में अगर आपको मॉडर्न दिखना है, तो अपने विचारों को इतना शुद्ध करिए
कि आप पे किसी के गलत विचार ना अफेक्ट हो, आप किसी और से अफेक्ट ना हो, वो लाइए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी डगमगाए ना। और आप अगर कंट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो बोला गया है कि आप घर में रहिए, वो रहिए ना। आप उन चीज पे फोकस कर रहे हैं, सैनिटाइज करके जाएंगे, मास्क लगा रहे हैं, मास्क के साथ भी सेल्फी ली जा रही हैं, आप सोशल डिस्टेंस बना नहीं रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा पिक्चर अपलोड करें, मैंने मास्क लगा लिया है, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, इधर दुनिया भर की इधर उधर से वीडियो सेंड करना, इधर से मैसेज करना। मैंने तो स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि मुझे कुछ फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं, आई नो हाउ टू डू एंड हाउ व्हाट टू डू, मुझे पता है कैसे क्या करना है। तो ऐसी अफवाहों से बचिए, और जो आपको पता है नेचुरल तरीके से इंसान अपनी बॉडी का ख्याल रखता है, नहाता है, धोता है, हाथ धोता है, सब कुछ तो अपने इंसान पहले से ही करता है। वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ये बोली गई हैं कि आप अगर आप बाहर से आते हैं और बाहर से चीज़ों को छूते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना ध्यान रखिए, बाकी नेचुरल तरीके से रहिए जो आप रह सकते हैं। और देखिए, ये जो कोरोना अटैक कर रहा है ये उन्हीं लोगों पे कर रहा है जिनका इम्यूनिटी बहुत बहुत कम हो चुकी है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसमें बुजुर्ग लोग आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, इम्यूनिटी, वो वीक हो जाती है। जो बच्चे होते हैं जिनकी ढंग से डेवलप नहीं होती है, उनको भी ये ज़्यादा अटैक कर रहा है। लेकिन कुछ लोग इस डर के मारे या फिर उनका रहना सहना ऐसा हो चुका है कि उनका इम्यूनिटी अपने आप ही मतलब कम हो रही है, उनकी इम्यूनिटी बहुत ख़राब हो रही है, उसकी वजह से भी उनका अटैक कर रहा है। देखिए, दिमाग का बहुत बड़ा खेल है इसमें। मैं साइकोलॉजी बेसिस पे कहूँगी कि जो हम जैसा सोचते हैं हम वैसे बन जाते हैं। अगर हम ये सोचें, एक गाना है बहुत अच्छा ब्रह्म कुमारी का है, मुझे बहुत पसंद है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये खुदा से कह दो मेरा नहीं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये बहुत प्यारा सॉन्ग है और इसको मैंने तरीके से समझाया जाए तो बहुत शांति देता है। बट आपको ये नहीं सुनना है, आपको तो 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है, आपको ये नहीं सुनना है। गाइस, हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है छोटी छोटे चीज़ों। मैं भी आज के ज़माने की लड़की हूँ, 21वीं सदी के ज़माने की लड़की हूँ, मुझे भी हर तरह की चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखने का या नई चीज़ देखने का, ऐसा नहीं है कि मुझे लाउड म्यूज़िक पसंद नहीं है, मुझे पार्टी सॉन्ग पसंद नहीं है, लेकिन हर वक्त नहीं, हर चीज़ का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अभी जो टाइम है, जो ये कह रहा है, ये बैलेंसिंग टाइम है, नेचर बैलेंस कर रही है चीज़ों को। अगर एक साथ प्रलय आ जाते, सब मर जाते, कौन किसी को क्या न्यूज़ दिखती, क्या कुछ होता, कुछ नहीं होता। इसको इतना ज़्यादा मत सोचिए, कर सकते हैं तो उन लोगों के लिए प्रे करिए घर में बैठ के, और कंट्रीब्यूशन पे मत जाइए कि कोई कितने करोड़ों ध्यान कर रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहा है वो प्रकृति से ही उन्होंने लिया है और प्रकृति को ही वापस कर रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर फाइनेंशियली आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अपना 50 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन आपका, वो भी बहुत अहमियत रखेगा। इवन आई एम डूइंग, लेकिन मुझे वर्ल्ड वाइड ये फैलाना नहीं है सोशल मीडिया पे, मैंने इतने लोग डोनेट कर दिए, मैंने इतने हज़ार इतने लाख रुपए डोनेट कर दिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी बहुत हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता तो एक मोरली, एक जो अंदर से एक इमोशनली सपोर्ट होता है वो करिए। हम सिर्फ लोगों को दहशत मत फैलाइए, आसपास ये फालतू के व्हाट्सएप के मैसेजेस मत फॉरवर्ड करिए, अपने दिमाग यूज़ करिए। अगर आपको कोई फॉरवर्ड कर रहा है, दिमाग यूज़ करिए, ऐसे कैसे हो जाएगा। आप घर में बैठे हैं, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे जीते हैं वैसे जिए, एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा करना है तो लोगों को जो डर रहे हैं आपके घर में, उनको समझाइए कि सब कुछ नहीं, हम सब साथ हैं, और इस परेशानी को सब साथ मिलके हैंडल कर लेंगे, सब फाइट करेंगे, हम फाइटर्स हैं, हम कभी डरे नहीं हैं। इंडिया के मैं बहुत प्राउड करती हूँ कि मैं एक इंडिया की नागरिक हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बचपन से वो चीज़ सिखाई गई है कि आई एम अ फाइटर। इस चीज़ को इतना हवा मत बनाइए, और बिल्कुल स्वस्थ तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अपने घर में रहिए गाइस। और ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जो वो कर रहे हैं उनको हम लोगों ने ही पैसे इतने कमाने में उनकी हेल्प करी है, तो अगर वो दे भी रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे भी आप करना चाहते हैं वैसे करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छा डाइट खाना सबका हक होता है, और उसे हमेशा बैलेंस रखना चाहिए। ये नहीं कि अभी कोरोना है तो अभी खाइए, आप अच्छा खाना, हेल्दी खाना, घर का खाना,
शुद्ध होता ही होता है, जो अपने हाथों से मम्मी आप इतने प्यार से बनाती हैं, उसमें प्यार का जो स्वाद होता है, उसमें जो घी का स्वाद होता है वो अलग होता है, जो बर्गर पिज्ज़ा में तो नहीं होता है। गाइज मैं भी बाहर की चीज़ें बहुत ही कम खाती हूँ, तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगी कि फालतू की अफवाहों में मत आइए, जो आपका दिमाग कहे प्रैक्टिकल रहिए, और प्लीज़ नेचर को सुरक्षित और शुद्ध बनाने की कोशिश करिए, हवन करिए अपने घर में, इससे शुद्धता फैले, जो जीवाणु है वो मरें। वो एक लॉजिकली बात बताई गई है कि आप ये कर लीजिए, कपूर जला लीजिए, ये कर लीजिए, ये तो नॉर्मल इंसान वैसे भी करता ही है, तो आप इतना ज़्यादा हवा ना बनाइए इसे, और अपने तरीके से अपनी लाइफ को जिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।